वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे। उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन सबसे पहले स्टडी करेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन मतलब क्या और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग समझ के लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस उसका फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, आप उसे डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, लाइव सेशंस मिलेंगे आपके डाउट क्लियरिंग के लिए, और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो देखिए हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन। ऑलरेडी इसका कुछ बेसिक पार्ट्स आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर ये स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट है, पॉइंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट लाइन। अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट लाइन। समझो ए वाला लाइन है, ए पॉइंट और ए पॉइंट, और जो आपका डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। देन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, और यहाँ पे एक्स एक्सिस शो किया है, वाई एक्सिस शो किया है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस शो किया है, वाई एक्सिस शो किया है। देखिए यहाँ पे जो लाइन है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ पे भी लाइन ने एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे भी लाइन ने एंगल बनाना एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन थीटा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लिनेशन थीटा। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के एंगल है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। जब देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब क्या, जो आपका एंगल है थीटा का वैल्यू है जीरो से बड़ा होगा लेकिन लेस देन 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियस आपका जो एंगल का वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो जीरो टू वैल्यू जीरो से बड़ा है थीटा का वैल्यू और 90 डिग्री से छोटा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। देन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है, आपका जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो एंगल है 90 से सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, तो यहाँ पे ऑब्वियस 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। देन द स्लोप ऑफ द लाइन, देखिए लाइन का स्लोप है थीटा, अगर उसका इंक्लिनेशन है तो टैन थीटा क्या है, उसका स्लोप है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। देखिए एक लाइन है, यहाँ पे दो पॉइंट शो किए हैं एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है सेम एंगल आपका यहाँ पे भी बनेगा, ये दोनों एंगल आपके सेम होंगे। देखिए जब भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो ऐसे पॉइंट शो किए होंगे, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है एक्स वन वाई वन, सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे एक्स टू वाई टू, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं स्लोप एम इज इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसके हिसाब से आपका क्या आ रहा है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स एक्स वन। तो आप देखिए स्लोप के लिए ध्यान रखिए, स्लोप एम इज इक्वल टू टैन थीटा, और स्लोप का और एक नाम है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। स्लोप का फॉर्मूला स्लोप एम इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर पॉइंट दिए हमें, पॉइंट थ्रू फाइंड करना है, और स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो कोई भी पॉइंट कंसिडर करने हैं आपको, फार्मूला यूज करना है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एकदम बेसिक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है दो मार्क्स के लिए। देन स्लोप ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, अगर आपको लाइन का इक्वेशन दिया है तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखा है, स्लोप ऑफ द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स है इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए है, वाई उसका कोएफिशिएंट क्या है, बी है, तो माइनस ए अपॉन बी, ध्यान में रखना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और यहाँ पे माइनस। और एक स्लोप का फॉर्मूला है, उसका यूज़ करके भी हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, कौन सी लाइन पैरेलल होगी, मतलब दो कौन सी दो लाइन पैरेलल होगी और कौन सी दो लाइन परपेंडिकुलर होगी, उसका कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। देखिए फॉर पैरेलल लाइंस, अगर स्लोप उनका इक्वल है, यहाँ पे मैंने और एक लाइन यहाँ पे समझो ऐसे ड्रॉ किया,
यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ किया और दोनों का स्लोप अगर मैंने मेजर किया और एम वन इज इक्वल टू एम टू, मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू सेकंड लाइन का स्लोप, अगर दोनों इक्वल आ गए तो उसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन, स्लोप आर इक्वल। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है और दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों स्लोप का, दोनों लाइन का स्लोप का, मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर माइनस वन आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज माइनस वन, तो आपका लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान में रखिए इसके बेस के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आता है, स्लोप फाइंड करने के लिए भी आता है। एक तो बेसिक न्यूमेरिकल आएगा इसे फाइंड आउट द स्लोप दो मार्क्स के लिए, नहीं तो लाइन के ऊपर से लाइन का यूज़ करके आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा। देन इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, देखिए यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस शो किया है, वाई एक्सिस शो किया है, तो इंटरसेप्ट के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आएगा, एक या दो न्यूमेरिकल आएंगे, उसके और भी कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग जैसे आगे जाएंगे वैसे बाद में स्टडी करेंगे। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, अभी देखो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरसेप्ट मतलब क्या है। एक लाइन है, देखिए एक लाइन यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पर। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है ए पॉइंट के ऊपर, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया बी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस बन रहा है, देखिए लेंथ ऑफ ओ ए, उसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स एक्सिस। देखिए लेंथ ऑफ ओ ए, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स, उसको नाम दिया है ए। सेम ओ टू बी, लेंथ ऑफ ओ टू बी, मतलब वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो जो डिस्टेंस बन रहा है लेंथ ऑफ ओ बी, उसे हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर लाइन को कट किया है तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू आपका पॉइंट कैसे आएगा a और 0, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे a, y का वैल्यू कितना आएगा 0, और सेम यहाँ पे y एक्सिस के लिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना है b, मतलब लेंथ ऑफ ओ ए यहाँ पे a डिस्टेंस लिया, y तो 0 है, यहाँ पे x 0 है, y का डिस्टेंस लिया, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इसके ऊपर भी एक या दो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, तो फिलहाल एक सभी कंसेप्ट आप लिख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो फार्मूला, स्लोप का फार्मूला, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू टैन थीटा, देन स्लोप का ये वाला फार्मूला, देन स्लोप का ये वाला फार्मूला, ये लाइन्स के कंडीशन ये आप लिख लीजिए, देन हम लोग आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन देखिए हम लोग स्लोप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल दो मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अपना जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको एडमिशन रिलेटेड और एग्ज़ाम रिलेटेड वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्लोप, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल दो मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे आपके पॉइंट दिए हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट है माइनस वन माइनस टू एंड सेकंड पॉइंट है माइनस थ्री एट। देखिए तो फर्स्ट वाले को हम लोग एज्यूम करेंगे एक्स वन वाई वन, सेकंड वाले का एज्यूम करेंगे एक्स टू वाई टू, तो अपना जो स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप पासिंग थ्रू द पॉइंट उसका यूज करेंगे, स्लोप एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो देखिए यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू का वैल्यू कितना है एट, देन माइनस साइन, वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस टू, एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, देन माइनस साइन, एक्स वन का वैल्यू कितना है माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एट प्लस टू टेन, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन क्या होगा माइनस टू, तो यहाँ पे आपका स्लोप आ रहा है माइनस फाइव, तो आपका स्लोप यहाँ पे कितना आ रहा है, स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस फाइव।
देखिए एकदम सिंपल न्यूमरिकल है, ऐसे न्यूमरिकल दो मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। स्लोप एम इज इक्वल टू -5, देन हम लोग सेकंड न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे। सेकंड न्यूमरिकल में क्या पूछा है, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, तो थीटा हमें यहाँ पे दिया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे, स्लोप एम इज इक्वल टू इंक्लिनेशन वाला फार्मूला एन इज इक्वल टू टैन थीटा, स्लोप एम इज इक्वल टू टैन थीटा, तो यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो स्लोप एम इज इक्वल टू और टैन 60 मतलब अंडर रूट 3, टैन 60 मतलब अंडर रूट 3 हो गया आपका स्लोप। सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुआ। देन देखिए हम लोग थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे हमें पॉइंट दिया है पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 3, फर्स्ट वाले 2 3, देन 5 एंड k, यहाँ पे आपका k अननोन है, 5 एंड k इज 5/3, फाइंड k। देखिए यहाँ पे हमें द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिए हमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, देन इज 5/3, इज 5/3 आपका क्या रहेगा स्लोप रहेगा, देन फाइंड के बराबर ये क्या रहेगा आपका स्लोप रहेगा, स्लोप का वैल्यू उन्होंने कितना दिया है, स्लोप एम इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि दो दो तो अननोन नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो वहाँ पर उन्होंने स्लोप का वैल्यू कितना दिया है 5/3, यहाँ पे हमें के फाइंड आउट करना है, के का आंसर कितना आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल है, वैल्यू में पुट अप करता हूँ, स्लोप का वैल्यू कितना है 5/3 इज इक्वल टू y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है के, y1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 5, देन x1 का वैल्यू 2, तो 5/3 के माइनस 3 तो आपका वैसे का वैसा रहेगा, 5 - 2 कितना होगा 3, 5 - 2 कितना होगा 3, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15, देन 3 × k = 3k, देन माइनस साइन 3 × 3 = 9, तो 15 + 9, 9 को शिफ्ट किया अगर लेफ्ट साइड तो माइनस का क्या होगा प्लस, 15 + 9 = 3k, तो कि सिंपल न्यूमेरिकल है एकदम। फिफ्टीन प्लस नाइन कितना होगा आपका 24, 24 = 3k, तो k हमें फाइंड आउट करना है 24/3, और 3 को अगर मैं ए साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिल रहा है, तो k = 8, आपका कितना आंसर है k = 8, के का वैल्यू आपको मिल गया। देन लास्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये भी एकदम सिंपल है, फाइंड द स्लोप, फोर्थ वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्या दिया है यहाँ पे हमें, लाइन का इक्वेशन दिया है, लाइन दिया है, लाइन इक्वेशन 5x - 4y + 7 = 0, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, स्लोप स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस आपका वैसे का वैसा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 5 और कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है -4, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका 5, कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसल, तो आपका स्लोप का आंसर है, स्लोप
m इज इक्वल टू 5/4, स्लोप m इज इक्वल टू 5/4, एकदम सिंपल न्यूमरिकल है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही न्यूमरिकल एग्जाम में आएंगे। देखिए सबसे इजी टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आपको सिंपली फार्मूला यूज़ करके न्यूमरिकल सॉल्व करना है, बेसिक सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, आपको स्लोप फाइंड आउट करना आना चाहिए और कंडीशंस क्या है पैरेलल लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का वो मालूम होना चाहिए, इंटरसेप्ट का कंडीशन क्या है वो मालूम होना चाहिए, उसके बेस के ऊपर हम लोग आगे न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।